चलिए ठीक है, आपने शादी कर लिया तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा ही है कि एशिया का सबसे नंबर वन में माने जाने वाले मनोज दे सर, जो कि सबको पोपट बना दिया, क्या वो अचानक से शादी कर लिए, लगता है ऐसे सबको, क्योंकि हमने भी इंस्टाग्राम पे उनका फॉलोअर हूँ मैं खुद। वो तो इतने बड़े यूट्यूबर है कि उनको कोई नहीं जानता है, वो कोई पहचानने की हस्ती मालूम है कि मनोज दे ने एशिया के नंबर वन में टॉप टेन में ही आते हैं समझो, तो ये है नहीं कि, लेकिन अचानक से शादी कर लिया, अचानक से सबको पोपट बना दिया। क्यों सर, आपने इतनी न्यूज बताने वाला हूँ जो कि मनोज दे सर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर किया है, मैंने देखा भी। तो ऐसे आप मनोज दे सर इतने बड़े, आप एशिया के जाने माने वाले हैं, आपको सब मतलब एशिया में बहुत कौन ऐसा आदमी है जो यूट्यूब में होएगा जो आपको नहीं जानता होगा मेरे ख्याल से, तो आप एक बहुत बड़ी हस्ती है। मनोज दे सर यानी कि एशिया के मतलब टॉप टेन में से मतलब आते हैं, वो एशिया का टॉप टेन में आने वाले यूट्यूबर ने आज क्या मालूम इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो देखा और उन्होंने ज्योति मैम से शादी कर लिया, ऐसा पूरे मतलब सूट बूट से तो ऐसे लग रहा है कि शादी कर लिया है। तो अपने मैं मनोज दे सर से कहना चाहता हूँ कि सर आपने तो ये अपने चाहने वाले शो के साथ बहुत मतलब थोड़ा तो इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने शादी कर लिया तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर नहीं अभी तक जानते होंगे तो आज जान लीजिए मनोज दे सर ने अपने शादी कर लिया है। और मैं आप मनोज दे सर अगर ये वीडियो तक आके पहुँचे तो आपके खुद कमेंट करके बताएं कि यार